चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस साल एमबीबीएस की काफी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से स्टेट में कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं। मैं आपको यहाँ स्टेट वाइज लिस्ट बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं इस साल और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल रन हो रहे हैं, न्यू कितने एस्टेब्लिश हुए हैं और पुराने मेडिकल कॉलेज में कौन से स्टेट में कितनी सीट इंक्रीज हुई है। स्टेट वाइज मैं आपको यहां पर डाटा बताने वाला हूं, आपको लिस्ट दिखाने वाला हूं, जिससे आपके स्टेट में ये पता लग जाएगा आपको कि कितनी सीट इंक्रीज हुई है। हम सबको इस बात का मालूम है कि ये जो इंक्रीज हुई सीटें कट ऑफ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर डालती हैं और इससे कट ऑफ कम आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम एक बार स्टेट वाइज लिस्ट देख लेते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं कि आज की डेट में, अभी तक जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूं, तब टोटल कॉलेजेस 643 कॉलेजेस हैं। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों शामिल हैं, जिसमें टोटल सीट 97,093 सीट्स हैं इसमें। तो एक बार हम देख लेते हैं यहां पर सीट कॉलेज वाइज कितनी सीट इंक्रीज हुई है। मैं आपको यहां पर लिस्ट दिखा देता हूं। उससे पहले हम मोटा मोटी सी एक आइडिया ले लेते हैं कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो न्यू मेडिकल कॉलेज कितनी हुए हैं, कितनी एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस साल, कितनी रन हो चुके हैं जिनकी एनएमसी ने परमिशन दे दी है। जो मैं आपको ये कॉलेज बता रहा हूं, ये एनएमसी की वेबसाइट से ही मैंने डाटा लिया है और वहां से ही आप इसको देख सकते हैं, लिस्ट अपडेट हो चुकी है और इसमें कुछ और भी सीटें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें गवर्नमेंट की 27 कॉलेजेस में 3100 एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट इंक्रीज हुई है। ये नई कॉलेजें हैं, यानी कि 27 गवर्नमेंट की नई कॉलेज रन हो रही हैं और जिसमें इनको परमिशन मिल चुकी है 3100 गवर्नमेंट सीट की। प्राइवेट कॉलेज की अभी तक 4 प्राइवेट कॉलेज को परमिशन मिली है, जिसमें 550 सीट्स को अनुमति मिली है। तो टोटल इस साल के लिए अभी तक जो सीट इंक्रीज हुई है वो 31 कॉलेजेस में 3656 कॉलेज इंक्रीज हुई है। ये सारी न्यू कॉलेज हैं। ये जो मैंने आपको बताया 31 कॉलेजेस में इतनी सारी सीटें बढ़ी हैं, तो ये सारी नई कॉलेज हैं। अब पुराने कॉलेजों में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट इंक्रीज हुई है, तो देखो जो ओल्ड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट की 8 पुराने कॉलेजों में 216 सीट इसमें इस बार इंक्रीज हुई है। प्राइवेट की बात करें तो 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 1250 सीट्स पुरानी कॉलेजों में इंक्रीज हुई हैं। तो टोटल 18 कॉलेजेस में 1466 सीट इंक्रीज हुई है। ये एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में हैं और ये न्यू मेडिकल कॉलेजेस में हैं। अब इन दोनों को देखें हम तो टोटल 5116 सीट इंक्रीज हो चुकी हैं 49 मेडिकल कॉलेजेस में, जिनमें 35 गवर्नमेंट सीट कॉलेजेस हैं, जिनमें सीट्स हैं 3316। ये अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ कॉलेजों की अनुमति और मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कॉलेजें और ऐड होंगी। प्राइवेट की बात करें तो टोटल 14 कॉलेजेस में 1800 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, हो चुकी हैं ये। इसके बाद टोटल सीट हम देखें तो 5116 सीट टोटल इस साल के लिए इंक्रीज हो चुकी हैं। एक बार हम डाटा देख लेते हैं कि अभी तक इंडिया में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें टोटल कितनी सीटें हैं। तो अभी तक आज की डेट में गवर्नमेंट के 347 कॉलेजेस में 51,178 गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट्स हैं। ये गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट्स हैं। प्राइवेट 296 कॉलेजेस में 45,915 सीट्स अभी तक हैं। तो इन दोनों को मिला के अभी तक टोटल 643 कॉलेजेस हैं और 97,093 एमबीबीएस की सीट्स हैं। ये अभी तक का डाटा है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से स्टेट में कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितने सीटें बढ़ी हैं, ये हम आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले न्यू मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो न्यू मेडिकल कॉलेज रन हुए हैं। तो ये सारी न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये न्यू मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो टोटल 31 न्यू मेडिकल कॉलेजेज हैं। वेस्ट बंगाल की चार मेडिकल कॉलेजेज इस बार रन हो रही हैं, चार न्यू मेडिकल कॉलेज इस बार रन हो रही हैं और इन चारों में 400 सीट्स हैं। तो वेस्ट बंगाल में 400 सीट्स का इजाफा हो चुका है, 400 सीट्स वेस्ट बंगाल में इंक्रीज हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट की सीट है, ये जो मैंने अभी बताई आपको ये गवर्नमेंट की सीट है। अभी तेलंगाना स्टेट में टोटल 6 मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की 6 मेडिकल कॉलेजेस में 900 सीटें इंक्रीज हुई हैं, टोटल 900 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। ये 150 सीट्स हर एक कॉलेज में इंक्रीज हुई हैं। तो तेलंगाना स्टेट में सबसे ज्यादा सीट इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट की, वो 900 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तमिलनाडु में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स इस बार रन हो रही हैं। इसके बाद राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस में, राजस्थान की चार नई कॉलेजेस हैं जिसमें 400 सीट्स इस बार रन हो गई, अनुमति मिल गई है इनको, गंगानगर, सिरोही, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, सभी में 100-100 सीट्स हैं। ओडिशा स्टेट में टोटल 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं, उनको अनुमति मिली है 200 सीट्स की, तो उड़ीसा में 200 सीट्स की। अभी कर्नाटका में 4 मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है, जिसमें 3 प्राइवेट हैं, 1 गवर्नमेंट कॉलेज है कर्नाटका स्टेट के लिए। हरियाणा में एक जो फरीदाबाद में है गवर्नमेंट कॉलेज, 100 सीट्स की अनुमति मिली है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की। गुजरात में 5 कॉलेजेस को परमिशन मिली है, गुजरात में 5 कॉलेजेस जिसमें सारे गवर्नमेंट के हैं, सभी में 100-100 सीट्स हैं, तो गुजरात में 500 सीट्स का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं, यानी कि 100-100 सीट्स का इजाफा हो रहा है, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये था कि जो चंद्राकर कॉलेज है, चंदुमल चंद्राकर कॉलेज है, ये अभी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आने की पॉसिबिलिटी, तो वो अगर आ जाती है तो 150 सीट इसमें और ऐड हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में। तो इसके बाद में आसाम की बात करें तो आसाम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं। आसाम में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं थी, तो इसमें 100 सीट्स इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 31 कॉलेजेज में 3656 का इजाफा हुआ है, प्राइवेट इसमें 4 है 550 और गवर्नमेंट की 27 में कॉलेजेज में 3100 सीट्स इसमें इंक्रीज हुई है इस बार। तो ये तो हो गई न्यू मेडिकल कॉलेजेज। अब हम ओल्ड मेडिकल कॉलेजेज में देख लेते हैं कि कितनी सीट ओल्ड मेडिकल कॉलेजेज में इंक्रीज हुई है। तो इसमें प्राइवेट में ज्यादा इंक्रीज हुई है, और ये जो आप 6 कॉलेज देख रहे हैं, इन कॉलेजों की पिछली साल इनको 10 अप्रैल के बाद में इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, तो इनको फिर से परमिशन मिली है 6 कॉलेजों में, जिसमें तेलंगाना की 2 कॉलेज हैं और राजस्थान की 4 कॉलेज हैं, पेसिफिक, गीतांजलि, अनंता और अमेरिकन। तो इनको तीनों को 150 सीटों की परमिशन मिली है और गीतांजलि को 250 सीट्स की परमिशन मिली है। इसमें 10 सीट गवर्नमेंट कोटा की भी हैं, राजस्थान के गवर्नमेंट कोटा की भी हैं। तो इस प्रकार से अभी गवर्नमेंट में जो पिछली बार से इजाफा हुआ है, जैसे कि मणिपुर में 50 सीटें इंक्रीज हुई हैं, इसके बाद में ईएसआईसी गुलबर्गा में 25 सीट इंक्रीज हुई है, ईएसआईसी बेंगलोर में और फरीदाबाद में 25-25 सीट गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, 27 सीट सिलवासा में हुई है और छत्तीसगढ़ में 25-50 सीट छत्तीसगढ़ में हुई है। बिहार का कॉलेज है, इसको अभी परमिशन नहीं मिली है, पिछली साल 150 सीट के लिए थी, अब की बार ये नहीं मिली है, हो सकता है बाद में परमिशन मिल जाए। तो इनको लगा के हम सारे देखते हैं, तो इसमें 1466 का एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में इजाफा हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल जो गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो 216 सीट से
इसमें पुराने मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है। तो इस प्रकार ये डाटा मैंने आपको ये लिस्ट बता दी है पूरी की पूरी, कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और कितनी न्यू मेडिकल कॉलेज हैं। तो इस बार 5116 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, सीटें और भी इंक्रीज होंगी क्योंकि आपको पता है सेकेंड राउंड तक सीटें इंक्रीज होती हैं, सेकेंड राउंड से पहले पहले सीट इंक्रीज होती हैं, तो सीट और भी इंक्रीज होंगी। तो जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो के अंत में आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स 2022 में आपको कैसे चॉइस फिल करना है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। सर्विस बॉन्ड और सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सभी के बारे में जानकारी है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, सभी के बारे में ये बुक अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।